स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूँ आरती। न्यूज नाउ में बात देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कौन सा इतिहास रचा है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं न्यूज नाउ। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराकर एक मुकाम हासिल किया है। पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर दो रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। प्रधानमंत्री ने अपने 11वें संबोधन में सेक्युलर कोड रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन और मेडिकल एजुकेशन से लेकर नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का रिकॉर्ड 15 अगस्त 2024, ये तारीख है भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की। जी हाँ, आज से ठीक 77 वर्ष पहले आज के ही दिन हमें लगभग 200 साल के बाद स्वतंत्र देश में जीने का अवसर मिला था। 78वां स्वतंत्रता दिवस इसीलिए भी खास है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडारोहण कर दो रिकॉर्ड अपने नाम की। पहला, उन्होंने लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी से पहले पंडित नेहरू 17 बार जबकि इंदिरा गांधी 16 बार ये सम्मान हासिल कर चुके हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड टूटा। मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ दिया। मनमोहन सिंह ने 2004 से 14 तक लाल किले की प्राचीर से 10 बार तिरंगा फहराया था। इस मामले में मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए। नेहरू को यह सम्मान 17 बार और इंदिरा को 16 बार मिला था। 11वें संबोधन में बनाया नया कीर्तिमान। वही पीएम मोदी ने दूसरा रिकॉर्ड बनाया अपने संबोधन का। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 98 मिनट तक भाषण दिया। आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का यह सबसे लंबा भाषण है। साल 1947 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 72 मिनट तक भाषण दिया। हालांकि पीएम मोदी ने पंडित नेहरू का ये रिकॉर्ड साल 2015 के स्वतंत्रता दिवस पर तोड़ दिया था। लाल किले पर पीएम मोदी का कब कितना लंबा भाषण? साल 2014 65 मिनट, साल 2015 86 मिनट, साल 2016 94 मिनट, साल 2017 57 मिनट, साल 2018 82 मिनट, साल 2019 92 मिनट, साल 2020 86 मिनट, साल 2021 88 मिनट, साल 2022 83 मिनट, साल 2023 90 मिनट, साल 2024 98 मिनट। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र। लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की। हमारे देश को एक वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जो सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वह सच में एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए,
देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। महिला सुरक्षा पर पीएम की पीड़ा। महिला सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने अपनी पीड़ा लाल किले से व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमें गंभीरता से सोचना होगा, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके प्रति जन सामान्य का आक्रोश है। इससे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं, इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। मिशन 2047 का सपना। मिशन 2047 का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, मैंने सपना देखा है 2047 विकसित भारत के सपने में, सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार की दखल कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव ना हो और सरकार का बिना कारण प्रभाव भी ना हो। देशवासियों, आज देश में नए अवसर बने तब मैं कह सकता हूं दो चीजें और हुई जिसने विकास को एक गति दी है, विकास को एक नई छलांग दी है, और ये है, पहला है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं, और दूसरी तरफ सामान्य मानवीय के जीवन में जो बाधाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है। पिछले एक दशक में
अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, गांव गांव नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो, दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हो, 2,00,000 पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो, नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा हो, 4 करोड़ पक्के घर बनना, गरीबों को एक नया आश्रय मिलना, 3 करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो, हमारा पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट उसका इलाका आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाना लगा है, और हमने ये जो कायाकल्प किया है उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जो ग्रामीण सड़कें वहां बनी है जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है। हमारे मछुआरे भाई बहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना, हमारे पशुपालकों के जीवन को बदलना, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास का प्रयास हमारी नीतियों में रहा, हमारी नीयत में रहा है, हमारे रिफॉर्म में रहा है, हमारे कार्यक्रमों में रहा है, हमारी कार्यशैली में रहा है, और उस सबसे सबसे बड़ा लाभ मेरे युवाओं को होता है, उनको नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए क्षेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाएं बन जाती है, और वही तो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, और सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इन्हीं समय में उनको मिला है। हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार को क्वालिटी ऑफ लाइफ वो स्वाभाविक उसकी अपेक्षा रहती है, वो देश के लिए बहुत देता है, तो देश का भी दायित्व है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की कठिनाइयों से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो, और जहां सरकार की बेकारण प्रभाव भी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था पर हम प्रतिबद्धित हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरूरत छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं, हम छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं, चाहे हमारे गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब की माँ को कभी आंसू पी करके सोना न पड़े, और इसके लिए मुफ्त इलाज की योजना हमारी चल रही है, बिजली पानी गैस अब सैचुरेशन के मूड पर है, और जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं वो 100% होता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसमें पांथिकता का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन का मंत्र होता है तब सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है। आतंकवाद पर प्रहार, विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का काम हमारे देश में हुआ। कभी आतंकवादी हमारे देश में आकर हमें मारकर चले जाते थे, जब देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है तो देश के नौजवानों का सीना गर्व से भर जाता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल, विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे, जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं गंभीर चिंता, लाल किले से पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा इस वर्ष और पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है। प्यारे देशवासियों,
इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। 78वां स्वतंत्रता दिवस क्यों रहा खास? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं उनकी सरकार का फोकस ज्ञान पर है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। पीएम मोदी द्वारा बताए गए इन चारों वर्गों के नुमाइंदों को खास तौर पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किया गया। मेहमानों को 11 श्रेणियों में बांटा गया। कृषि और किसान कल्याण, युवा मामले, महिला और बाल विकास मंत्रालयों को किसान, युवा और महिला मेहमानों को बुलाने की जिम्मेदारी दी गई। इनके अलावा पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आदिवासी मामले, शिक्षा और रक्षा मंत्रालय ने भी मेहमानों की सूची तैयार की। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। खास बात यही रही, इन खिलाड़ियों को अग्रिम पंक्ति में बैठाया गया था। देश भर में आजादी का जश्न मनाया गया। पूरा देश देशभक्ति के रंग में सरोबार नजर आया। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार 8 वर्षों तक स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया है। इस अवसर पर उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा, मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षित हाथों में आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत को लेकर कहा कि विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सभी को जुड़ना है। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.2% से अधिक का योगदान देकर के भारत के ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को, देश की आजादी के नायकों के उन सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया, वह संकल्प आज साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए जब हम आजादी के 78वें इस स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबका दायित्व बनता है, जो पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको दिलाया है, ये पंच प्रण के संकल्प में अंतिम संकल्प नागरिक कर्तव्य से है। हर नागरिक जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, हम सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारा दायित्व सुरक्षा के उस गुरुतर दायित्व को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लेकर के चलना है। हम उस फील्ड में अपना सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करें। जो सेवा के क्षेत्र में है, वे सेवा के क्षेत्र में अपने उस नागरिक कर्तव्य का दायित्व प्राथमिकता के आधार पर करें। जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अगर ईमानदारी पूर्वक कर रहा है और करता है, तो कोई कारण नहीं कि जो हमारी
भारत को दुनिया की 2047 तक जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे। आगे बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजादी के 70 वर्षों बाद तक उपेक्षित रहे लोग आज विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज स्व से साक्षात्कार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्मेंस द स्पीड को दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख और सराह रही है। नए भारत का या नया उत्तर प्रदेश आज स्व से साक्षात्कार कर रहा है। अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और पोटेंशियल को पहचान कर सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। यहां आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान है। विकास और बदलाव के इस क्रांतिकाल में कतिपय लोग भले ही अपने कुत्सित मनसा से समाज में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं, जाति और पंथ के नाम पर समाज में विष घोलने वाले ऐसे स्वार्थी तत्वों को झूठ, छल और प्रपंच के सहारे षड्यंत्रों को हमें सफल नहीं होने देना है। अफवाह फैलाने वाले ऐसे नीच स्वार्थी तत्वों को हमें पहचानना होगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने आस पड़ोस में घटित हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। जो ताकतें आज हमारे देश के पड़ोस में मानवता को शर्मसार करते हुए अराजकता की धुंधली बजा रहे हैं, वही हमारे गांव, नगर और कस्बे के सामाजिक सौहार्द को भी मिटाने का कुचक्र रच सकते हैं। हमें इन विभाजनकारी ताकतों को पहचानना होगा, इनसे सावधान रहते हुए इनके कुत्सित प्रयासों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी ने कीर्तिमान स्थापित किया, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर छू लिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण किया है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने युवाओं के लिए आज एक नई योजना की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री अपने 7वें संबोधन में युवाओं की बड़ी घोषणा करते हुए कहा, 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। युवा भारत के विकास की धुरी है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के अंदर आज अपने युवाओं के लिए हम लोग आज एक नई योजना की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसके क्रम में आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की एक अभिनव योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नौकरी की बजाय उद्यम, इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऐसे 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से उन्नयन करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी।
बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर सीएम योगी ने 3 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक देने की भी घोषणा की। सीरियल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार करने पर बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या, माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर करने वाले एसटीएफ के डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह और माफिया आदित्य राणा को एनकाउंटर में ढेर करने वाले बिजनौर के मुख्य आरक्षी अरुण कुमार को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। फिलहाल के लिए न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।